हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और मतलब हमारे 21 सब्सक्राइबर हो चुके हैं यार, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब यार मतलब जल्दी से 100 100, खैर आपकी मर्जी हो तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। और आप अपना ओपिनियन जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यार चलो वीडियो शुरू करते हैं। खैर यार, हम यहाँ पर उतरे थे यासनाए में और पूरी लूट भी सही से हो गई थी, पर खैर अब कोई दिख नहीं रहा था। सामने एक बंदा दिखा और यार वो पीक कर रहा होता है, वो पीक करके बैठा होता है, दोनों से नॉक कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ कि चल तुरंत जो है हम रश कर देते हैं। भाई ये सुनने से पहले ही भाग जाता है। खैर कोई बात नहीं, इसके बाद मैं थोड़ा वेट करता हूँ कि कोई पीक करेगा इसको मारने के लिए, और मैं भाई उसे यहाँ से मतलब एक हिसाब से डबल नॉक निकाल दूंगा। उससे जो है आसानी हो जाएगी, क्योंकि दो ही थे अंदर, पर फिर भी मुझे शक था कि दो से ज़्यादा है। तो खैर फिर हम घुस जाते हैं तुरंत ही एकदम से अंदर। मैं टीममेट का इंतज़ार करता हूँ, वो आता है और फिर हम तुरंत ही मतलब रश कर देते हैं। और वो बंदा जो है सीढ़ियों पर ही होता है, ठीक है अभी देखना वो सीढ़ियों पर ही होगा। पहले मुझे एक बार देख लेना चाहिए था, मैं इधर आ जाता हूँ इस रूम में। खैर फिर मैं ऊपर जाता हूँ, भाई उस सीढ़ियों पे बैठा था और मैं इसे नॉक कर देता हूँ। नॉक करने के बाद भाई पहली प्रायोरिटी तो यही कि आप हील करें। हील करने से ये होता है कि मतलब एक एडवांटेज होता है कि अगर तुमने अगले को नॉक दिया है तो या फिर किसी को वो दिया तो तुम हील करके जब तक उसे रिवाइव देगा तुम पूरा हील करके जाकर उसे मार सकते। खैर उसके बाद उसे मारने के बाद वहाँ खाली करने के बाद हम इस बिल्डिंग में आते हैं। और भाई जब बोलते हैं कि लालच ख़राब है भाई, और वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अभी सामने देखना पूरी भरी हुई गाड़ी आई भाई। भाई मतलब कितने थे, तीन बंदे थे, मतलब तीन या चार बंदे। खैर मैं इसे डैमेज देता हूँ, और भाई इसके कि मेरा फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको यहाँ से डैमेज देने के, पर कुछ हुआ नहीं। उस रूप में आधा HP कर दिया था, ये तो अंदर चला गया। मैंने एक नॉक निकाला और दूसरे में भाई ये हो जाता, क्योंकि टीममेट ऊपर थे तो कुछ कर नहीं पाए। खैर दोबारा मैं रिकॉल हो जाता हूँ और एक इसी ने मेरे बंदों को नॉक किया था और मैं से एक को, और इसे पता ही नहीं चला मैंने इसे भी नॉक। अब फिर मैं इसे तुरंत ही फिनिश पे दे देता हूँ, क्योंकि मतलब ये हिसाब से प्रथा ही बन चुकी है भाई की फिनिश डाल दो, मतलब तुरंत नॉक करो फिर फिनिश डाल दो ताकि वो दोबारा। अरे हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, हमें ज़िंदा रखना चाहिए एनिमी को ताकि उसके टीममेट जो पैनिक हो जाए और रश करें। खैर यहाँ पर देखो यार, मैं डर ही गया था भाई, एक तो फ़ोन लैग कर रहा था, तो भाई वो गया गया गया। पर भाई मैं यहाँ पर बच जाता हूँ, ये बंदा अकेला मतलब अंदर घुस जाता है यहाँ पर जो कोने में, टीममेट वहाँ से जाता है, मैं इधर से और मैं ही इसे मार देता हूँ। खैर इसके बाद हील करने के बाद ये लास्ट मोमेंट है गेम का, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है, क्योंकि यार ये मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। हाँ मैं मानता हूँ कि BGMI काफ़ी पुराना हो गया, पर अपने इमोशंस हैं इसके साथ तो मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं और एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो तो वीडियो आगे शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो भाई हम पहले मुझे लगा, मैंने टीममेट से कहा कि ये जो स्क्वाड हाउस है इसमें बंदा है, ठीक है, और जो पैनिक रूम है सामने उसमें। तो भाई इन्होंने नीडर मौली बरसा के इतना कर दिया कि भाई वो दूसरी बिल्डिंग में, तो वहीं डर के उनकी हालत ख़राब हो गई। खैर मैं घुस जाता हूँ, किल मिलेगा भाई, कुछ था ही नहीं, सरप्राइज सरप्राइज हो गया। पता चलता है वो तो सामने वाली सेकंड फ्लोर पे बिल्डिंग में, और भाई उसके बाद तुरंत जो है हम रश कर देते हैं। अब एक नंबर जा तो रहा था, पर एक नंबर बाद में काम नहीं आता। खैर इन्होंने पीछे वाले को नॉक दिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि एक नंबर जा रहा था तो इसको भी कवर देना था। वो तो भाई टीम मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है, हालांकि वो नॉक होके तो उसे रिवाइव दे देता, तो मैं इसको बैकअप देने के लिए मैं इसके साथ आ गया। और अब ऊपर वो पहले लगा एकदम साफ फ्रंट पे, पर वो यहाँ पर देखा, और मुझे करना यह था कि यहाँ से पीक लेके इसे ईजी नॉक कर देना। और भाई मैंने उसके से मार तो दिया, पीछे इसका टीममेट था, और फिर ये हो जाता है, ये पूरा ही फिनिश डालते हैं। मैं बुलाता हूँ वो एक नंबर, वहीं भाग गया भाई छोड़ के। खैर वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर।